मॉर्निंग बच्चों, पिछले क्लास में हमने बालक सुभाष के बारे में पढ़ा था और उसके साथ ही हमने कुछ विलोम शब्द तथा वाक्य रचना भी की थी। आज हम इस क्लास में इस चैप्टर यानी बालक सुभाष के कुछ प्रश्न उत्तर एवं खाली स्थान भरो करेंगे। आप सभी थोड़ा मन लगाकर सुनना। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 1 आप बुक में देख सकते हैं, किसने कहा और कब कहा। का आप देखिए, इतने दिनों तक कहाँ रहे, ये किसने कहा था? माँ ने कहा। माँ ने तब कहा जब बालक सुभाष ने चुपचाप आकर अपनी माँ की आंखें मूंद ली। नंबर ख को देखिए, मेरा दिल उन बीमारों की सेवा के लिए तड़प उठा, ये किसने कहा? सुभाष ने कहा। सुभाष ने तब कहा जब माँ ने उन्हें 3-4 दिनों तक घर ना लौटने की वजह पूछी। ग का देखिए, नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी पिटाई होगी, ये सुभाष ने कहा। सुभाष ने तब कहा जब एक अंग्रेज बालक ने एक भारतीय बालक को पीट दिया था। नंबर 2 का प्रश्न जो है वो आप बुक में देख सकते हैं, सुभाष की माँ का रोते रोते बुरा हाल क्यों हो गया था। सुभाष की माँ का रोते रोते बुरा हाल इसलिए हो गया था क्योंकि बालक सुभाष 3-4 दिनों तक घर नहीं लौटे थे। राइट क्वेश्चन है, माँ ने सुभाष को क्यों गले लगा लिया। माँ को अपने बेटे के सहयोग, दया भाव और सेवा भाव पर बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए माँ ने सुभाष को गले लगा लिया। खाली स्थान भरो करेंगे। नंबर 1, सुभाष ने जीवन भर विवाह नहीं किया, वे अविवाहित रहे। नंबर 2, वे सेवा का काम समाप्त कर ही लौटे, वे सच्चे देशप्रेमी थे। नंबर 3, भारत के निवासी भारतीय कहलाते हैं। नंबर 4, सुभाष ने बड़े होकर आज़ाद हिंद फौज तैयार की। नंबर 5, सुभाष बड़े होकर नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों, आपके लिए एक होमवर्क भी है। प्रश्न 4, निम्नांकित शब्दों में बालक सुभाष के लिए कौन सा अधिक उपयुक्त शब्द है? चालाक, बुद्धिमान, दयालु, देशप्रेमी, वीर, निर्भीक। जो अगले क्लास में हम हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक करेंगे। आज इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ।